हमारे यूपी में सब्जियों का ना झोल बनाया जाता है और बड़े ही चाव से खाया जाता है। तो उन्हीं में से एक रेसिपी अरबी के झोल की आज आपके लिए लेके आया हूँ। और ऐसे मैं अकेले नहीं, मेरी बहन बनाने वाली है। बहुत ही स्वाद बनता है, एक बार आप भी ना इसको ट्राई करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए अरबी के झोल की ईजी टू कुक रेसिपी के लिए। मेरी वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक कढ़ाई में लगभग एक तिहाई कप तेल डाल के उसे गर्म करने से। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करूँगा, आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। देखिए, अरबी का झोल बना रहे हैं तो क्या क्या सामान लगने वाला है वो एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 300 ग्राम अरबी ली है जिसे लंबा लंबा फांकियों में काटा है। इसके अलावा लगभग 150 ग्राम पनीर लिया है, इसे क्यूब में काटा है। लगभग 50 ग्राम काजू लिए हैं और 50 ग्राम ही फॉक्सनट यानी कि मखाने लिए हैं। इसके अलावा लगभग 5 से 6 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लीजिएगा। एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी ले लीजिएगा, आधा चम्मच हींग ले लीजिएगा और साथ ही में आधा चम्मच अजवाइन भी। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस को धीमा कीजिए और सावधानी से जो अरबी हमने काटी हुई थी ना फांकियों में, बस उसी अरबी को इस तेल में छोड़ देना है। अब इस अरबी को इस तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। बस यही वाली स्टेज चाहिए, हमारी जो अरबी है एकदम क्रिस्पी हो चुकी है। तो क्या करना है, बस एक प्लेट में ये सारी की सारी अरबी को निकाल लेना है। अरबी तो फ्राई हो गई, चलिए एक काम करते हैं, पनीर के क्यूब्स को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए, पनीर फ्राई होते ही उसे भी क्या करना है, बस एक प्लेट में बाहर निकाल लेना है। अब जो हमारे काजू और मखाने बचे थे ना, वो भी इसी तेल में छोड़ देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें भी इसी तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी प्लेट में बाहर निकाल लीजिए। अब इस बचे हुए तेल में अजवाइन, हींग और जो हरी मिर्च हमने करी थी ना चॉप, वो सब छोड़ देनी है। अब ये सब हल्के हाथों से चला देंगे हम लोग। उसके बाद छोड़ेंगे जी इसमें मसाले। यहाँ पे लगभग 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लगभग 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये छोड़ेंगे। और उसी के साथ में लगभग 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें छोड़ेंगे, कलर बहुत ही अच्छा आएगा। बाकी बस हल्के हाथों से इस मसाले को चलाते हुए थोड़ा सा भून लेना है। अब इस मसाले में समय है छाछ मिलाने का। मैं मार्केट से वो जो 1/2 लीटर वाला पैकेट मिलता है ना, वही पैकेट लिया है और इसमें पलट दिया है। हल्के हाथों से चलाते रहेंगे और इसी में 1 ग्लास पानी भी इसी स्टेज पे मिला देंगे। देखिए, क्योंकि हम झोल बना रहे हैं तो झोल जो है वो थोड़ा सा पतला होता है, यानी कि जो ग्रेवी होती है ना बहुत ही पतली बनती है झोल के अंदर। अब बस करछी की मदद से हल्के हाथों से इस झोल को हम लोग चलाते रहेंगे और लगभग 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे। जब इस झोल को ऐसे पकते पकते 10 मिनट हो जाएं, तो भाई समय है इसमें वो सूखी कसूरी मेथी थी ना हमारे पास में, बस उस कसूरी मेथी को इसमें छोड़ देने का। अभी लगभग अगले 1 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही चलाते हुए पकाने वाले हैं। अब जितना भी आइटम हमने शुरू में जो फ्राई किया था ना, यानी कि अरबी, पनीर, काजू और ये आपके मखाने, ये सभी के सभी ना इसी झोल में छोड़ देने का समय आ चुका है। कुछ अच्छे से मिक्स करते हुए इस अरबी के झोल को लगभग 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। इसके बाद में इस कढ़ाई पे लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाने के बाद में मीडियम फ्लेम करेंगे और मीडियम फ्लेम करने के बाद में इसको हम कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे ही पकाने वाले हैं, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि बीच बीच में ढक्कन हटाते रहेंगे और करछी की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहेंगे। 15 मिनट बाद में ना इस कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और आप पाएंगे कि अरबी का झोल बनकर तैयार हो चुका है। भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है। आज की रेसिपी बनाने में मदद की है मेरी बहन ने, जैसे मैं आपकी मदद करता हूँ नई नई रेसिपीज बनाने में। बहरहाल, अरबी का झोल बनकर तैयार हो चुका है। गैस को बंद करेंगे और इसको 5 मिनट ऐसे ही ठंडा होने देंगे और उसके बाद मिलेंगे जी डाइनिंग टेबल पे। गर्मा गर्म अरबी का झोल परोसेंगे
और क्या करेंगे, स्ट्रीट को एंजॉय करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे।